हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ैन अली ऑफिशियल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग सीरीज़ का 8 वीडियो ट्यूटोरियल है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और साइबर अटैक्स क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आप में से किसी भी दोस्त ने हमारा वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखा तो मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ये हमारा वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? एक एथिकल हैकर के लिए साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी दोस्तों इन तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कन्फिडेंशियलिटी में दोस्तों हम जिक्र करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक अपने यूज़र का, अपने कस्टमर का एटीएम कार्ड कभी भी किसी भी अनऑथोराइज पर्सन को नहीं देता। ऐसा कभी नहीं होता कि बैंक आपका एटीएम कार्ड आपके किसी मोहल्लेदार को या आपके किसी दोस्त को दे दे और उसे कहे कि ये एटीएम कार्ड ले लें आप और अपने दोस्त को दे दें। बैंक हमेशा आपका एटीएम कार्ड आपको ही देगा। तो इस तरह ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी की जाती है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी में दोस्तों हम अपनी डिवाइसेस की फिजिकल मेंटेनेंस चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी किसी डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और उसमें से मौजूद तमाम डेटा ख़राब हो जाता है तो दोस्तों हम उस डिवाइसेस की फिजिकल मेंटेनेंस करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वजह हुई है, कि किस वजह से हमारा डेटा ख़राब हुआ है। आइए मैं इसके आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज़ करें दोस्तों कि ये हमारे पास एक पूरा नेटवर्क है, इसमें से कुछ डिवाइसेस लगी हुई हैं। ये तमाम के तमाम डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। फ़र्ज़ करें ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का डाटा लॉस हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इस डिवाइस की फिज़िकल मेंटेनेंस करेंगे कि किसी फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से इस डिवाइस में से डाटा लॉस तो नहीं हो गया। इंटीग्रिटी में दोस्तों सिर्फ हम अपनी डिवाइसेस की फिज़िकल मेंटेनेंस चेक करते हैं, ना कि हम ये देखते हैं कि किसी हैकर की वजह से हमारा ये डाटा लॉस हुआ है। नहीं, इंटीग्रिटी में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हम अपनी डिवाइसेस की फिजिकल मेंटेनेंस चेक करते हैं। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी में नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। अवेलेबिलिटी के बारे में कहा जाता है कि सिक्योरिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अवेलेबिलिटी, या ये कह लें कि अवेलेबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ सिक्योरिटी। जितनी आप सिक्योरिटी बढ़ाते जाएंगे उतनी अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी। आइए इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अवेलेबिलिटी है क्या। फॉर एग्जांपल दोस्तों कि ये हमारे पास एक मॉल है, शॉपिंग मॉल। अब इसमें से लोग इसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इस पूरे के पूरे मॉल की वर्किंग बहुत फास्ट है। अब आप करते क्या हैं कि यहाँ पर आप एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे एक बिठा देते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड करता क्या है कि हर आने जाने वाले पर्सन की चेकिंग करता है और एक एक पर्सन को मॉल के अंदर एंटर होने देता है। इससे होगा क्या कि मॉल की वर्किंग स्लो हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों जब आप अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं तो उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है। याद रखिएगा दोस्तों कि नेटवर्क की सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी होती है। अब हम बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स पे, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजीज। अपने ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोगों को और अपने नेटवर्क में मौजूद जितने भी आपके लोग हैं उन्हें आपने एजुकेट करना है ताकि कोई भी हैकर्स या कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन आपके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हासिल ना कर सके। आपने अपने लोगों को बताना है कि अगर कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन आपके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो आपने किस तरह से डील करना है ताकि कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर ना जा सके।
प्रोसेस में होता क्या है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आईटी मैनेजर हैं, आपको एक फेक कॉल आती है कि सर मैं फलां डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, मैं अपने सिस्टम का पासवर्ड भूल गया हूँ, तो प्लीज़ मुझे मेरे सिस्टम का पासवर्ड दोबारा रीसेट कर दें। आप सिंपल करेंगे क्या कि उसे कहेंगे कि भाई आप मुझे कंपनी के नंबर पे ईमेल करें और मुझे अपने डिपार्टमेंट का नंबर बताएं, अपने डिपार्टमेंट का नेम बताएं और अपना नेम बताएं, देन मैं आपका पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ। इस तरह दोस्तों पूरे नेटवर्क को सिक्योर किया जाता है। टेक्नोलॉजी में दोस्तों पैचिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा हो कि हमारे मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड की एग्जांपल ले लेते हैं, कि एंड्रॉयड में सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, यानी कि या आप एक सिंपल एग्जांपल ले लें विंडोज़ की, हम अपनी विंडोज़ को दोबारा अपडेट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर विंडोज़ का कोई भी सॉफ्टवेयर नया आया हो या पुराना सॉफ्टवेयर कोई भी हो, 2013 ले लें, कोई भी ले लें, जिसमें कुछ बग्स मौजूद होते हैं, अब जैसे ही हम अपने सिस्टम को दोबारा अपडेट करते हैं, वो प्रीवियस बग्स जितने भी होते हैं रिमूव हो जाते हैं और हमारा सिस्टम अपडेट हो जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई भी हैकर आके हमारे सिस्टम में बग्स फाइंड आउट करेगा, कोई भी लूप होल फाइंड आउट करेगा हमारे सिस्टम की एक्सेस हासिल करने के लिए, तब तक हम अपने सिस्टम को दोबारा अपडेट कर लेंगे, और जब तक वो उसे न्यू बग्स फाइंड आउट करेगा या न्यू लूप होल्स फाइंड आउट करेगा सिस्टम पे अटैक करने के लिए, तब तक हम अगेन अपने सिस्टम को दोबारा अपडेट कर लेंगे। इंक्रिप्शन, द रूट वर्ड इंक्रिप्शन क्रिप्ट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिप्टोस मीनिंग हिडन और सीक्रेट। फॉर एग्जांपल दोस्तों कि किसी रूम में तीन लोग बैठे बात कर रहे हैं, अब तीनों पर्संस उर्दू जानते हैं, उनमें से दो लोग आपस में उर्दू में बात कर रहे हैं, अब वो दोनों शख्स ये चाहते हैं कि ये जो तीसरा बंदा हमारे पास बैठा हुआ है ये हमारी बात को समझ ना सके। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसे। फॉर एग्जांपल ये एक रूम है, इसमें ये तीन लोग बैठे हुए हैं, अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और दोनों उर्दू में बात कर रहे हैं। अब ये जो है ये भी उर्दू जानता है, अब ये दोनों करेंगे क्या कि हम जो भी बात कर रहे हैं, ये जो ये शख्स बैठा हुआ है इसे हमारी बात की समझ ना आए, तो ये सिंपल करेंगे क्या कि ये अरबिक में बात करना शुरू कर देंगे। इससे होगा क्या, क्योंकि ये जो शख्स है ये अरबिक को बिल्कुल भी नहीं जानता, तो इससे होगा क्या कि ये अपनी कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखेंगे और इससे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या बात कर रही हैं। तो इस तरह के मेथड्स इंक्रिप्शन में अप्लाई किए जाते हैं। डेफिनेशन, इंक्रिप्शन इज अ वे टू इन्हांस द सिक्योरिटी ऑफ मैसेज और फाइल्स बाय स्क्रैम्बल द कंटेंट सो दैट इट कैन बी रीड ओनली बाय समवन हु हैज द राइट इंक्रिप्शन की टू स्क्रैम्बल इट। पॉलीबियस सिक्योर, ये एक मेथड है किसी डाटा को हाइड करके भेजने का। इसमें होता क्या है कि इस किस्म की कोडिंग यूज की जाती है, दो लोग जब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हों तो इस किस्म की कोडिंग का यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारे ये भेजी हुई इन्फॉर्मेशन कोई तीसरा बंदा ना पढ़ सके। आइए दोस्तों मैं ज़रा समझाता हूँ आपको कि ये किस तरह ये मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे ये दो लोग बैठे हुए हैं, और फ़र्ज़ करें ये एक हैकर है, जो ये करेगा क्या कि ये दो लोग जो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे इसे हैक करेगा, इनकी इस कम्युनिकेशन को ये ट्रेस करेगा। अब ये दो लोग करेंगे क्या, फॉर एग्जांपल इन्होंने कम्युनिकेशन करवानी है एक वर्ड हैकर की, इन्होंने हैकर की कम्युनिकेशन करवानी है, एक लफ्ज़ मैसेज सेंड करना है हैकर,
इस शख्स ने इसे हैकर साइन करना है। अब ये करेंगे क्या, पॉलीबियस स्केयर का यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो एच लिखा हुआ है, ये वाला, इस एच पे जाएंगे, यहाँ पे इसके नंबर्स उठाएंगे, यहाँ से ये 2 उठाएगा और यहाँ से ये 2 उठाएंगे और एक कोड जनरेट कर देंगे 2 2। अब ये शख्स दोबारा क्या करेगा, इसने ए लिखना है, ए के लिए यहाँ से 1 उठाएगा, यहाँ से भी ये 1 उठाएगा और 1 1 जनरेट कर देगा। फिर इसने सी लिखना है, सी के लिए दोस्तों ये यहाँ से 1 उठाएगा और यहाँ से 3 उठाएगा, 1 3। के लिए 2 उठाएगा और 5 उठाएगा, ये देखें यहाँ पे के है और यहाँ पे वो लिख देगा 2 एंड 5। ई के लिए वो 1 उठाएगा और 5 उठाएगा, यहाँ पे फिर वो लिख देगा 1 और 5। आर के लिए क्या करेंगे, आर के लिए दोस्तों ये 3 उठाएगा और 6 उठाएगा, यहाँ पे लिख देगा 3 और 6। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये इस किस्म का कोड सेकंड पर्सन को सेंड कर देगा और सेकंड पर्सन के पास भी सेम यही पॉलीबियस स्केयर मौजूद होगा। अब वो इस कोडिंग को यहाँ पे मैच करेगा और यहाँ पे मैच करने के बाद ये वो एक कंप्लीट वर्ड हैकर फाइंड आउट कर लेगा। उसे पता चल जाएगा कि पर्सन 1 ने उसे पर्सन 2 को, यानी कि उस शख्स को हैकर लिखकर भेजा हुआ है। और अगर ये हैकर फर्ज करें कि इनकी कम्युनिकेशन को हैक कर लेता है, तो उसके पास इस किस्म का कोड पहुंचेगा जो कि बिल्कुल भी उसे समझ नहीं आएगा कि उसने कौन सा वर्ड यूज़ किया हुआ है या कौन सी टेक्निक यूज़ की है। तो दोस्तों, इस किस्म की टेक्निक्स को इनक्रिप्शन कहते हैं, कि किसी भी अपने डाटा को हाइड करके भेजना। हम अपने आने वाले वीडियोज़ में इनक्रिप्शन पर बहुत बहुत से प्रैक्टिकल वर्क करेंगे कि किस तरह हम किसी भी पिक्चर में डाटा को हाइड करके भेज सकते हैं, या किसी वॉइस में, ऑडियो मैसेज में किस तरह किसी डाटा को हाइड करके भेज सकते हैं, या किसी वीडियो में किस तरह डाटा को छुपा के भेजा जाता है। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम अपने आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल वर्क में एक एक टॉपिक पर एक एक कंप्लीट लेक्चर में बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इस डाटा को टोटली तौर पर हाइड करके सेंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसेट्स, वल्नरेबिलिटीज, थ्रेट्स, रिस्क और काउंटर मेजर्स। एसेट्स, एसेट्स क्या है, इसे हम असासाजात कहते हैं या सरमाया कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके एम्प्लॉयज़ का डाटा बहुत ही सीक्रेट होता है, वो कभी भी किसी को अपने एम्प्लॉय का डाटा शेयर नहीं करता। किसी को भी अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डाटा या अपने कंपनी के नेटवर्क का डाटा किसी अनऑथोराइज पर्सन को नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, बैंक वाले कभी भी किसी भी अपने यूज़र का डाटा किसी अनऑथोराइज पर्सन को नहीं देता। अगर आप जाके कहते भी हैं कि हमें फलां शख्स का बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे दें, बैंक वाले कभी भी आपको उस शख्स की बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। वल्नरेबिलिटीज़ में दोस्तों, वल्नरेबिलिटीज़ को कहते हैं लूपहोल्स, खामियां। किसी भी वेबसाइट में या किसी भी नेटवर्क में मौजूद खामियां, वो खामियां जिनके ज़रिए कोई भी अटैकर्स या कोई भी हैकर्स उस वेबसाइट में इंटर हो सकता हो और उस पर अटैक कर सकता हूँ, या किसी भी नेटवर्क में मौजूद ऐसे लूप होल्स जिनकी मदद से हैकर्स उस नेटवर्क में इंटर हो जाए और वहाँ पे अटैक्स जनरेट कर सके, इसे वल्नरेबिलिटीज़ कहते हैं। थ्रेट्स और रिस्क, थ्रेट और रिस्क मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये क्या है। फ़र्ज़ करें दोस्तों कि ये इंडिया और ये पाकिस्तान, अब इन दोनों के दरमियान क्रिकेट मैच है। अब इंडिया को पाकिस्तान से ये थ्रेट है, ये ख़तरा है कि अगर पाकिस्तान अफरीदी को खिलाता है और अफरीदी 5-7 ओवर खेलता है, तो इसमें रिस्क क्या होगा कि इंडिया मैच हार जाएगा। और पाकिस्तान को इंडिया से क्या थ्रेट है कि अगर इंडिया विराट को खिलाता है और विराट 5-7 ओवर चल जाता है, तो पाकिस्तान मैच हार जाएगा। अब इसमें अगर
पाकिस्तान की तरफ से अफरीदी खेलता है और अच्छा खेलता है, तो इंडिया के लिए पाकिस्तान का अफरीदी थ्रेट है और रिस्क क्या है कि इंडिया मैच हार जाएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर किसी भी नेटवर्क में लूप होल्स मौजूद होंगे, वल्नरेबिलिटीज होंगी जिनकी मदद से कोई भी हैकर्स आके उस वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट कर लेता है और उस पे अटैक जनरेट कर देता है, तो समझें कि ये उसके लिए थ्रेट भी होगा और उसके लिए रिस्क भी होगा। तो दोस्तों, इस तरह बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़े बड़े एथिकल हैकर्स को हायर करते हैं ताकि वो आए और आके उनके पूरे के पूरे नेटवर्क को सिक्योर करें ताकि किसी भी किस्म का उन्हें थ्रेट या रिस्क ना हो। अब हम बात करते हैं काउंटर मेजर पर। काउंटर मेजर्स क्या होते हैं कि जो भी मेथड्स यूज किए जाते हैं थ्रेट और रिस्क को फाइंड आउट करने के लिए या इन चीजों को खत्म करने के लिए, ये तमाम के तमाम काउंटर मेजर्स कहलाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम एक से दो अटैक्स मजीद सीखेंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे इस लेक्चर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए, तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब।